देर रात मसूरी के माल रोड पर हूटर बजाने को लेकर हंगामा हो गया। दरअसल दिल्ली के शराब कारोबारियों के सुरक्षाकर्मी माल रोड पर गाड़ी में लगे हूटर को बजाकर गाड़ी दौड़ा रहे थे और अधिक शोर शराबा होने के चलते स्थानीय लोगों ने हूटर बजाने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों गुटों में कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि शराब व्यापारियों के सुरक्षाकर्मियों ने स्थानीय दुकानदारों के साथ मारपीट की, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने शराब कारोबारियों के सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समय गाड़ी लोकल गाड़ी नहीं जाने दी जा रही है, पुलिस ने पूरे शहर को बंद कर दिया है और लोकल लोकल को बिल्कुल बंद करने के बाद और टूरिस्ट के लिए और सिर्फ वीआईपी के लिए, और जबकि जो लॉ है कि कोई हूटर नहीं बजा सकता है वो बैन है, लेकिन कहाँ बैन है, सिर्फ वीआईपी के लिए होने गए हैं और लोकल को बिल्कुल अंदर नहीं, लोकल तो अंदर आने दिया जाता है पूरी तरह होंक कर रहे थे। मैं क्योंकि अपनी साइड पे था, मैंने उनसे इसलिए कहा कि आप इतना होंक ना करें और इस शहर में लोग अपनी गाड़ियों को देखने नहीं शहर को देखने आए। इतना था उनकी गाड़ी से दो सिक्योरिटी गार्ड निकले और दो गाड़ियों से करीबन 15 सिक्योरिटी गार्ड निकले और उन्होंने हाथ मारने शुरू कर दिए। बगल में जो एक अग्रवाल फुटवेयर है राजीव भैया की दुकान, लिटरली आप उनके कैमरे में देख सकते हैं कि उनकी दुकान में वो लोग घुस गए और मुझे बिल्कुल उन्होंने नीचे खदेड़ कर। अब मैं जो है मॉल रोड से इससे पहले से तरफ आ रहे थे, रास्ते में स्थानीय व्यापारियों के साथ किसी मुद्दे को लेकर उनकी जो है आपस में नोकझोंक हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और ये लड़ाई झगड़ा बढ़ गया और फिर जाकर मौके पर जाकर पुलिस के द्वारा समझा था। नहीं, पुलिस के द्वारा किसी के बताने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि पुलिस के द्वारा तथ्यों का और जो हमारे सामने पॉइंट्स हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है। जब तथ्य और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस बात का आश्वासन मेरे द्वारा व्यापार मंडल को दिया गया।